Asim dia tersuruh. Tak suruh. Kisah. Kisah dah. बोरी पता नहीं क्या था ना है क्या अच्छा कुआ कुआ शादी तो केवल वफा की तलाश तो नहीं कैप्चर किया कुल्फी पे लिखा हुआ है वफा की तलाश And if you need, you can talk to the main coordinator of this branch. आप बात नहीं करते हैं। आप बाइक चाहिए तो काम चलेगा।
यूनियन काउंसिल तो है ना, उनको तो हमें पता है कि यूनियन काउंसिल तो गाँव आपसे क्या तंबू अकबराबाद से कोई गया है उस कैंप में? नहीं नहीं ये नहीं है, ये सारा अकबराबाद है। नहीं नहीं, इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं, उधर उधर नहीं है, वहाँ उस कैंप में गया जो है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं, सिंगल बंदा। सारे लोग अपने घरों में पड़े हैं। हाँ, सामान वामान से सुविधा ये घर में काम करते हैं? ये घर है, पीछे भी वो वही चिराकम कूनर वहाँ अस्पताल दी वो सब अस्पताल की कोई स्कूल में कोरोना ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं। स्कूल कौन सा? ये हाई स्कूल है, हाई स्कूल है और जो कि बड़ा अस्पताल है चासद देखा वो दर्द है। नाजिक से खबर थी। आपने मुझे आप बताने लगे थे आबादी कितनी है यहाँ पर? बहुत सी घर है, बहुत सी, बहुत सी 82 हाउस हाउस है। हाँ, और आबादी अंदाजन ये दरियाई जिंद है, जब पानी ये पानी तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो सामने रोड जो है इस पर कोई निकल गया था, कोई ढेरे पड़ गया था, ऐसा ढेरे पड़ गया थी तो बड़ा पर बड़ा ऊपर मस्जिद के ऊपर फंसी हुई थी, कोई मस्जिद के ऊपर फंसी हुई थी के साथ निकल गया। यहाँ पे जो मेन पानी है ये जो दरियाई जिंदी इसका पानी, इसका पानी ये समझ रहे कि मोटरवे पे तीनों दरियाएँ मिल जाती हैं, दरियाए स्वात, दरियाए काबल और दरियाए जिंदी। क्या हुकूमत की जानब से हमको आर्मी की जानब से दो कश्तियाँ मिली थी, वो कहते थे कि 6 बजे से 9 बजे से मैं पहले काम शुरू नहीं कर सकता और 5:30 बजे से मैं आगे काम नहीं कर सकता। वो उनका यही काम था, 3 या 4 ट्रिप लगा रहे थे, 3-4 ट्रिप में कितने बंदे वो निकाल सकते थे। तो जब पानी का दबाव कम हो गया, अब हर एक ने अपने रिश्तेदार के पास सप्लाई की, किसी को यहाँ पर खाना लेके आया, किसी को यहाँ से टूप वगैरह पर बाहर निकाल के वहाँ खाना दिया, अपने रिश्तेदारों के साथ किसी ने अपने आप को अरेंज किया, मतलब था कि रहने लगा कहा। यहाँ पर जो भी बंदा था जिसका घर बचा हुआ था, हर एक ने अपना दरवाज़ा खुला रखा था कि हमारे बहनों को घर में रखो, हमारे घरों में रह सकते, ये हमारे बहन भाई हैं जो है वो हुजरे में रह रहे हैं, अपनी मदद आप पर सब कुछ हो रहा था। फिर एनजीओज वाले ने यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ डोनेशन की, एसआरएसपी वाले ने अपनी एक्टिविटीज़ की, एनआरएसपी वाले ने की, यहीं पर काम अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ का इलाका जो है, जो एनजीओज जाता है या अपनी मदद आप जो कुछ भी कोई इदारा है, तो सिर्फ वो कहते हैं कि चलो कैंप पे जाते हैं, हर एक बंदे का ख्वाहिश है कि कैंप पे जा रहे हैं। लेकिन इधर का ये मोहल्ला जो है जो कि हिसार अकबराबाद, इस वक्त तमाम मीडिया की नज़रों पर भी है, तमाम एनजीओज तमाम इदारों की नज़रों पर भी है, लेकिन फिर भी ये मोहल्ला जो है ये सब के सब बेयार मददगार और सबसे पीछे रह गया हुआ है, ये मोहल्ला अकबराबाद का ये मोहल्ला। ये कंफर्म है कि इसमें 82 घर ही हैं? बिल्कुल, मैं आपको आप गिन के दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, गिन के नहीं, यानी बाज होता है ना, बाज होता है ऐसा भी जाओ, ऐसा भी जाओ, ऐसा भी जाओ, सो को रही है यानी अकबराबाद में 82 घर अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से लेके आते हैं। और वैसे यहाँ पे कुकिंग के लिए है,
गैस गैस नहीं बस जला रहे हैं अभी भी इस घर में अभी बर्तन मैडम इस घर में भी अभी भी धुआं निकल रहा है ये भी अभी भी लकड़ियाँ जला रही है या बर्तन धो रही होंगी या कपड़े धो रहे होंगे जो बयासी घर है इसमें ज्यादा में लकड़ी ही चलती है ये सारा ये फूल शुरू दिन में तो लकड़ी भी नहीं जल रही लेकिन आजकल है कुछ अभी तो कुछ ना कुछ मकान गिरे है उसका जमीन भी सूख गया हुआ है पहले तो सब कुछ जो है वो गिरा था ना आग जल रही थी ना कोई और इंतजाम हो सकता था लेकिन फिर भी अपने रिश्तेदार जो पंजाब के बहन भाइयों ने हमारे साथ जो भी इमदाद किया वो भी काबिल तहसीन है बहुत से ये कह रहे हैं कि हमने दो रोज़े बगैर शहरी के रखी हुई ये क्योंकि यहाँ पर आग नहीं जल रहा था आग की वजह से ज्यादातर लोग क्या करते मजदूरी सियासतदा में ये आगे जो है मैं आपको लेके जाता हूँ इलेक्ट्रिक के गोदाम है ये लोग कोई कुल्हाड़ी से दियाड़ी करते थे कोई कंधों पर लकड़ियाँ निकाल रहे थे कोई खुदाई कर रहे थे लेकिन वो सारा निज़ाम जो है अब धर्म पर अगर मैडम आप लोग अगर आपकी मर्जी है हमारी नहीं है अगर आप कैंप की बजाय इस मोहल्लों में कुछ ना कुछ करवा लेते हैं तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी वहाँ तक जो है सारा मोहल्ला आग बराबर है अभी नीचे भी बर्तन रहेगा ये तुम लोग ये दरख्त क्यों लगाते हैं ये दरख्त जान बचाने के लिए लगाते हैं पानी आते तो फिर इसमें चल जाते बनाना